नूरु और नॉन स्ट्राइक इन पे खड़े है चेतन। अंपायर का इशारा आ चुका है, शुरुआत हो गई है। पहली गेंद फ्लिक कर दी है, गेंद फाइनल की दिशा में गेंद जा रही है, फील्डर उसके पीछे और दौड़ रहे हैं और गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई चार रनों के लिए। पहली गेंद थी लेग स्टंप के बाहर थी और उस गेंद को फ्लिक कर दिया है नूरू ने, फाइनल के फील्डर सर्कल के ऊपर थे, उस फील्डर को देखते हुए फील्ड कर दिया है और गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए चार रनों के लिए। चौके के साथ अपना अपनी टीम का खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है। काफी बढ़िया माहौल यहाँ पर, चारों तरफ हरा ही हरा, धूप थोड़ी सी कम होती हुई, हल्की सी हवा, फुल टॉस गेंद उसका फायदा उठाने में नाकामयाब रहे, जमीन के साइड से मोड़ दिया है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्ड हो चुकी है, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर चला गया पांच रन पर। अब स्ट्राइक आया है चेतन के पास, फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, पॉइंट कवर, गली ए है, ऑफ स्टंप पर फील्डिंग, लेग स्टंप पर लॉन्ग ऑन, डीप मिड ऑन, एक्स्ट्रा मिड ऑन एंड डीप मिड विकेट, ए है फील्डिंग की सजावट और फाइन लेग, ए है सजावट लेग स्टंप पर। सीधे बल्ले से मोड़ दिया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में दुर्गेश वहां मौजूद है, एक ही रन मिलेगा, चुस्त फील्डर है, पीटी टीचर है, बढ़िया फील्ड भी हो चुकी है, एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ और एक रन का इजाफा हो चुका है खाते में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय आगस फाइटर का, बढ़िया गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ चुका है। आयुष जय हनुमान के खाते में, फुलटॉस गेंद और फ्लिक करने में कामयाब हुए है इस बार, एक्स्ट्रा मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक फील्डर आके उसको फील्ड करे तब तक दो रन लेने का मौका और दो रन के साथ स्कोर में इजाफा हो चुका है, स्कोर हो चुका है नौ रन। फुलटॉस गेंद थी, उसको दिशा बनाना चाहते थे लेकिन आखिरी समय अपनी नजर झुकाई और फ्लिक कर दिया उसको एक्स्ट्रा मिड विकेट की दिशा में। रुपेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, जो फाइन थे यानी लॉन्ग लेग क्षेत्र में थे, फील्डर को फाइन में बुलाया गया है सर्कल के अंदर। बढ़िया गेंद, बल्ले को चाटा और फाइन लेग पे फील्ड हो चुकी बिना कोई स्कोर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय इस विकेट पर आगस फाइटर का, पारंपरिक बल्लेबाज है नूरू एंड चेतन। रुपेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार फुल टॉस और स्ट्रेट ड्राइव के रूप में मोड़ दिया उस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद थे और सीधी चली गई फील्डर के दस्तानों में और पहले विकेट का पतन हो चुका है। आयुष जय हनुमान ने टॉस जीती थी और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है आगस फाइटर ने और बल्लेबाजी की दावत दी गई थी आयुष जय हनुमान को। एक तो विकेट चली गई है नूरू के रूप में, नूरू वापस चली गई है पेविलियन में, नूरू का स्थान ग्रहण करने के लिए आए विजू फिलहाल नॉन स्ट्राइक पे खड़े रहेंगे और स्ट्राइक चला गया चेतन के पास।
पहली गेंद थी, दूसरी ओवर की शॉर्ट गेंद थी, खेल दिया स्क्वायर दिशा में, हवा में गेंद है, कोशिश जरूर की थी फाइन लेग से आके मिड विकेट पर कैच पकड़ने की, लेकिन असफल रहे। तब तक मौका था दो रन चुराने का, दो रन चुरा भी लिए बढ़िया तालमेल के साथ, दो रन का इजाफा हो चुका है स्कोर में। अगस्त फाइटर की ओर से गेंदबाजी कर रहे संतोष सतरकर, बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल लाइन गेंद थी, गेंद को खेलना चाहते थे बल्ले का अंदरूनी किनारा, लेके गेंद सीधी आई थी फॉलो थ्रो पे, फील्ड भी हुई है संतोष द्वारा बिना कोई स्कोर डॉट। धीमी गति की गेंद, हल्की सी शॉर्ट गेंद और मोड़ दिया है उसको, स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में, हवा में गेंद थी और स्क्वायर लेग के फील्डर ने कोई गलती नहीं की और दूसरे विकेट का पतन हो चुका है। चेतन वापस जा रहे हैं पेवेलियन में। धीमी गति की गेंद थी, लेग स्टंप पे पिच जरूर हुई थी और उतनी बढ़िया स्पिन होती हुई डॉट चली गई है गेंद। बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड गेंद, लेग स्टंप के बाहर गिरी जरूर थी लेकिन स्पिन मिलती हुई और स्टंप पर आई, शरीर को टकराई, गली में फील्ड हुई बिना स्कोर। संतोष सतरकर फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार पहले स्टेप आउट कर दिया था, खेला था स्क्वायर की दिशा में बिना कोई स्कोर, फील्ड हो चुकी है। दोनों रन ही लाए हमारी ना, कोई दोनों रन इस डीजे की कहा। पहली ओवर में 9 रन आए थे, एक विकेट खो चुके थे, दूसरी ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और एक विकेट हासिल की है संतोष सतरकर ने। कुल मिला के 11 हो चुके हैं, 2 विकेट खो चुकी है आयुष जय हनुमान टीम। अब आए रामदास कि पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बार और अंपायर का इशारा आ चुका है, व्हाइट अतिरिक्त रन जोड़ चुका है खाते में, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर चला गया 12-12 रन, 2 विकेट खो चुके हैं आयुष जय हनुमान। ऑफ स्टंप पर आके खेलना चाहते थे, टिप्पा की हल्की सी उछाल, अपने दाहिने पैर को झुकाया था बल्लेबाज ने लेकिन कोई असर नहीं, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट चली गई है गेंद, तीसरी ओवर जा रही है, पहली गेंद फेंकी थी लेग स्टंप के बाहर और अंपायर ने उस गेंद को अतिरिक्त घोषित किया था, यानी वाइड घोषित किया था, अतिरिक्त रन जुड़ चुका था स्कोर में, 12 रनों पे अभी भी रुकी हुई है मैच। फील्डिंग में हल्की सी परिवर्तन करते हुए फाइन लेग के फील्डर को डीप स्क्वायर लेग में बुलाया गया है,
मिड विकेट, मिड ऑन, लॉन्ग ऑफ, यह फील्डिंग की सजावट। इस बार आड़े बल्ले से मोड़ दिया है, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए चार रनों के लिए। और जन्मदिन के मौके पे काफी बढ़िया बल्लेबाजी करने की आशा रखते हैं बल्लेबाज। फिलहाल फुल टॉस गेंद और उस गेंद पर टूट पड़े, गेंद चली गई है हवा में और सीमा को पार किया है गेंद ने और गेंद चली गई सीमा क्षेत्र के बाहर चार रनों के लिए। एक गलती है कि सूरज ऑफ स्टंप पर आ चुके हैं लेग और इसी के कारण आंखों पे सूरज होने के कारण ये गेंद इनको दिखाई नहीं दी और गेंद चली गई सीमा क्षेत्र के बाहर चार रनों के लिए। चौके के बदले स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया है। बीस रन हो चुके हैं। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर अड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं, डॉट चली गई है। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, ठीक से बल्ले पे आए नहीं, इस गले की दिशा में चली गई, डिप्स गले का फील्डर आके उसको फील्ड करे तब तक एक रन लेने का मौका। बढ़िया उत्साहित करते हुए आगस फाइटर के कप्तान संतोष और फिजिकल टीचर भी है तो सही दिशा दिखाते अपने खिलाड़ियों को। अगली गेंद इस बार हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बढ़िया खेलने की कोशिश, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट चली गई और डॉट के साथ डॉट के साथ ही साथ तीसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है और तीसरी ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 21, 21 हो चुका है स्कोर। गेंदबाज का स्वागत किया है बर्थडे बॉय ने। गौरीश फिर एक बार, इस बार भी खेल दिया है, गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है, एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ और एक रन का इजाफा हो चुका है खाते में। इसी एक रन के साथ स्कोर चला गया है 28। चौथी ओवर जारी है, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय आगस फाइटर के कप्तान संतोष सतरकर का सही साबित होता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट चली गई है कीपरों के दस्तानों में। डॉट के साथ ही साथ गौरीश, इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर, ब्लॉक होल लाइन गेंद, सही दिशा, डॉट, लगातार दो गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है। अभी भी स्कोर रुका हुआ 28, लॉस ऑफ टू विकेट, दो विकेट खो चुके हैं आयुष जय हनुमान। गौरीश फिर एक बार तैयार, इस बार हल्की सी शॉट और उस गेंद को मोड़ दिया है एक्स्ट्रा मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है, सीधी चली गई फील्डर के हाथों में और तीसरे विकेट का पतन हो चुका है।
चला गया है बड़े बॉय के पास। ऑफ स्टंप के बाहर डॉट और डॉट के साथ ही साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 28 रन। आते आते लॉन्ग ऑन की दिशा में मोड़ दिया है नीलेश ने। संतोष वहां मौजूद है, एक ही रन पे संतोष होना पड़ेगा। चुस्त फील्डर है संतोष, एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 29 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 3 विकेट खो चुके हैं आयुष जय हनुमान। सीधे बल्ले से मोड़ दिया है गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सीधी चली गई गौरीश के हाथों में और चौथे विकेट का पतन हो चुका है। फुल टॉस गेंद और उसका फायदा उठा दिया है नीलेश ने। गेंद चली गई है मिड विकेट को पार करते हुए 6 रनों के लिए। गौरीश रन आउट हो चुके, सॉरी जगदीश रन आउट हो चुके। एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर में एक रन का इजाफा यानी 36 हो चुका है स्कोर। गेंद चली गई हवा में ऑफ स्टंप के बाहर थी और सीधी चली गई है कीपर के दस्तानों में और विकेट, विकेट के साथ ही साथ इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। और इनिंग खत्म होने के बाद
सेवन रन बटोरे 38 रनों का लक्ष्य रखा है आगस फाइटर के पास आयुष जय हनुमान ने। और आगे का भी रन मतलब इस आगे के इनिंग का ही रन मेरे सहयोगी प्रवीण देसाई। धन्यवाद मंगेश जी और सभी श्रोताओं को प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। 38 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। और निश्चित रूप से देखा जाए तो इतना बड़ा स्कोर तो बनाया नहीं गया है लेकिन फिलहाल अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग के फलस्वरूप रनों को अंकुश लगाया जरूर गया है। लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बहुत कठिन जरूर है। और इसलिए हम जब जब इस कुर्सी पर बैठते हैं ब्रिटानिया 50-50 बिस्किट खाकर आते हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बहुत कठिन जरूर है। और प्रारंभिक जोड़ी मैदान में आती हुई संतोष सतरकर जिनके पास अनुभव और हम तो निश्चित रूप से अभी भी माइक हाथ में लिया जरूर गया अनुभव उनके पास बहुत बड़ा लंबा तकरीबन देखा जाए तो टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में जाकर अगर देखा जाए 3,500 से ज्यादा मैच का अनुभव और उनके फलस्वरूप जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की सिर्फ अपने ओवर में सिर्फ 2 रन उन्होंने खारिज किए और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अनुभव उनके पास बहुत बड़ा लंबा। और ये रन उनके लिए कुछ भी नहीं है लेकिन फिलहाल हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है क्योंकि भावनाशील मानस जीवना धरता तड़ता कोलमड़ता पर ये तो निश्चित रूप से क्रिकेट है। और अंपायर का इशारा आता हुआ और पहली ओवर लेकर आए हैं राज आए हैं पहली ओवर लेकर नाम उनका मुद्राज है लेकिन प्यार से लोग उनको राज के नाम से जानते हैं और आज उनका बर्थडे जरूर है लेकिन केक तो उनको काटना ही पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से एक जीत उनके लिए बहुत मायना रखेंगे और उनके लिए आज का दिन उनके लिए एक अच्छा दिन और उनके लिए तो निश्चित रूप से चमत्कार की आवश्यकता की जा सकती है। और इस बीच बहुत अच्छी गेंद लेकिन संतोष ने जिस तरीके से जमीन के सारे खेला जरूर गए हैं 1 रन के लिए। अच्छी गेंदबाजी अनुभव उनके पास है जरूर राज के पास और राज को अपना राजपन दिखाना ही पड़ेगा अगर ये मुकाबला उनको जीतना है तो 1 रन अब तक बना जरूर चुके हैं लेकिन फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने की सोच यहां दिखती हुई। मंजिल काफी दूर नहीं है लेकिन यहां चमत्कार की आवश्यकता। राज की अगली गेंद गौरेश के लिए मौका लेकिन ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। रन बने हैं और इस बीच बहुत अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद नीची रहती हुई गेंद ऐसी गेंदों की उम्मीद की जा सकती है लेकिन यहां फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है राज द्वारा और एक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश उनकी जरूर रहेगी संतोष के लिए। इस बीच अगली गेंद और इस चक्रव्यूह में फंसा नहीं नरू वहां खिलाड़ी मौजूद था और उनका बल्ला तो निश्चित रूप से अच्छे बल्लेबाज के लिए जाने जरूर जाते हैं नरू लेकिन निश्चित रूप से दिक्कत आए हालांकि 2 पारियों में उन्होंने रन तो बनाए ही नहीं हालांकि निश्चित रूप से कहना पड़ेगा एक बड़े खिलाड़ी की एक हालांकि निश्चित रूप से देखा जाए इस टूर्नामेंट उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल में जाता हुआ। और इस बीच अगली गेंद राज की और उनके पाले में पड़ती हुई और
राज को मिलती हुई पहली सफलता गौरीश के रूप में। एक ओवर समाप्त होने के बाद 7 रन बने हैं और इस बीच कलाई के सारे गेंद को मोड़ा जरूर गया है। खिलाड़ी वहां मौजूद, जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, एक रन लेने का मौका और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बने हैं। दूसरी ओवर जगदीश के कंधों पर डाली है। अगली गेंद नए बल्लेबाज वैकुंठ के लिए और वैकुंठ के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद, एक रन निकल चुके हैं दूसरे रन के लिए मांग, लेकिन दूसरा रन आसानी से पूरा होता हुआ और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बने हैं एक खिलाड़ी आउट होने के बाद। इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग की आवश्यकता जरूर है और वही तो दिख जरूर रही है। इस बीच अगली गेंद और वैकुंठ के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट 6 रन के लिए। डेल डेविड्स कैप्टन टॉस के लिए आएगा। हेलो, और इस बीच अगली गेंद और इस बीच बहुत अच्छी गेंद वापसी यहां गेंदबाज करता हुआ, लेकिन वैकुंठ के बल्ले से निकलता हुआ काफी शानदार शॉट और उतार चढ़ाव हालांकि निश्चित रूप से ओवर में देखने को जरूर मिलेगा। इस बीच अगली गेंद और खिलाड़ी मौजूद, लेकिन और शायद कहना पड़ेगा अनुभव की कमरता यहां दिखती हुई और काउंटी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए उनको इंटरटेंट में खिलाया जा जरूर रहा है। अपना 5वां मैच खेलता हुआ खिलाड़ी, लेकिन उनके चेहरे पर आशा की बहन निराशा दिखती हुई और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। 18 गेंदों में हम आप जगह और वैकुंठ के बल्ले से निकलता हुआ यह दूसरा छक्का और वैकुंठ को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता हुआ और इस तरीके से 2 ओवर समाप्त होने के बाद 26 रन बने हैं।
18 रनों की आवश्यकता और यहां चमत्कार की आवश्यकता, मेंटल चॉकलेट दिमाग की बत्ती जला दे उस गेंदबाजी की आवश्यकता यहां जरूर है। और तीसरी ओवर लेकर आए हैं और इस बीच बहुत अच्छी गेंद, अंतिम 17 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। चेतन की अगली गेंद और कदमों का इस्तेमाल करके खेलने की कोशिश संतोष द्वारा, लेकिन सिर्फ एक रन के लिए और जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि एक एक रन निकाल कर भी आप ये मुकाबला जीत सकते हैं, लेकिन यहां गेंदबाज के लिए चमत्कार की आवश्यकता। चेतन फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, अगली गेंद वैकुंठ के लिए, 2 छक्के अब तक जड़ जरूर चुका है और तीसरा छक्का जड़ने की नादाने में अपना विकेट गवा नहीं चुके, लेकिन जीवदान यहां मिलता हुआ और दूसरा रन आसानी से पूरा होता हुआ। हालांकि निश्चित रूप से खिलाड़ी वहां मौजूद जरूर थे, उनके हाथों में कैच पड़ी जरूर थी। इस बीच चेतन की अगली गेंद और इस बाहर कलाई के सारे गेंद को मोड़ा जरूर गया है, खिलाड़ी दौड़ जरूर रहे हैं, लेकिन तब तक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए और चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बने हैं। पांच रनों की आवश्यकता और इस बीच वैकुंठ के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन बने हैं और अपने मंजिल के करीब पहुंच जरूर चुके हैं। हालांकि निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे थे, उन्होंने जिस तरीके से रन बनाए नहीं और अच्छी गेंदबाजी यहां हो जरूर चुकी थी और उनके फलस्वरूप ये मुकाबला एक तरफा। चेतन थोड़े से दिक्कत में महसूस होते हुए, हालांकि निश्चित रूप से उनके शरीर में, हालांकि बल्ले से कैच आ जरूर सकती है, लेकिन इंसान के अंदर भी कैच आ सकता है बिना बैट का। और इस बीच और तक सिर्फ एक रन, जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं, 35 रन बने हैं और इस तरीके से 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। डी जरूर है, आप हार के कगार पर खड़े जरूर है, लेकिन आपको वो चमत्कार करके दिखाना पड़ेगा। अगली गेंद, लेकिन इस बार दिशा भटके, लेग साइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, सिर्फ 3 रनों की आवश्यकता। माफ कीजिएगा, सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता और विनिंग शॉट, कदमों का इस्तेमाल करके खेला, 1 रन निकाल चुके हैं, दूसरा रन के लिए दौड़ने की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग आखिरकार होती हुई, अब मैच यहां टाई हो चुकी है।
एक एक बैटिंग करते थे कौन अगस्त फाइटर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ एक रन की आवश्यकता। और वैकुंठ जानता है, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई और इस तरीके से अगस्त फाइटर्स ये मुकाबला जीत कर पॉइंट टेबल में निश्चित रूप से आगे बढ़ जरूर चुके हैं और उनके समर्थक आकर उनको बधाई देते हुए